रचना की खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार दोस्तों, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि गांव में भैंस चराने वाले नौजवान साजन लाल आज सुपरस्टार गायक बन चुके हैं। बच्चे बच्चे की जुबान पर उनका नाम विराजमान है और कहते हैं कि जब चाह सच्ची हो तो भगवान भी मिल जाते हैं। अपने बचपन की प्यार को हासिल करने के लिए साजन मुंबई जा पहुँचे और अपने महबूबा को हासिल करने के जुनून ने उन्हें सुप्रसिद्ध गायक बना दिया। आज की लोकप्रिय गायिका रानी उर्फ कल्पना और साजन की सगाई बचपन में ही हो चुकी है और कल दोनों परिणय सूत्र में बन चुके हैं। हम उनके मंगलमय जीवन की शुभकामना करते हैं और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बहन, हमारी बेटी के सासना माई बन के रखिया। चिंता मत करें, रानी के महारानी जैसा रखा, माई का कब्बों का मीना होके दे। चलो बेटा। देखी ना, राउर सपना बेटा पूरा कर दे लास। रानी के बहु रानी बना के लिया है। बाबूजी, भले तू ये दुनिया में दुनिया खाती नहीं खा, लेकिन हमार दुनिया तो तोहरी से आबाद बा। हमके आशीर्वाद दे बाबूजी, ताकि जब तक ले दुनिया में हम रही, तोहरा के जिंदा रख सके। तब पहले ये बताई कि बड़की माई हम कब बनब। तोरा से ज्यादा जरूरी तो हमारे बाबू जी। हाँ। चिंता मत करा, सौरी लिपे खाती तोरे के बुलाई। हाँ। सौरी के सौदा तैयार बा, जाई तरुआ है ना आई, तब ना हम जाई। का फुलौना, बिना होए भरले फूल झूल गयलू। तनी एगो चुमा दा ना। पहले आँख बंद करी। अगर ते हमार दोस्त ना रहती ना तो प्राकृतिक से खिलवाड़ हो जाई। अच्छा, तो ई नाटक तोहरा दिमाग के फाटक से निकलल बा। अरे कुछ तो शर्म करी। हाँ, डोंट वरी, बेसरा मुर गेले सा। खोला तनी पियरी हाली दियरी बुताव, छोड़ा या न कानी रानी बहिया में आव। खोला तनी पियरी हाली दियरी बुताव, छोड़ा या न कानी रानी बहिया में आव। दुवारे बैठो जी बड़ी सोचाए दी अपना, पहले हो जाए दी अपना, लेडी करे दी पहले हो जाए दी।
जाई रात हाली कर शुरुआत हो मान जा तू बात दे दहावा में हाथ हो बस में जवानी नहीं खे बुझा परेशानी मनवा न मानी जब ले काटब न चानी साथे साथे नमकीनो भी तो जरूरी बा दरवाजा खुलल बा खुले दा हमार काका खुलल बा तोके पता बा ए बेटा आ दोनों अंगुरी हमार तुहार तो बताई एगो पकड़ ले आ आ ए बेटा तू तो आ गईले हम बनूंगा साजन के से से बनवे चाय पानी पियाए वाला सर पैसा नहीं लड़ता आई एम कमिंग ओके साजन जी आई एम योर सेक्रेटरी बाय बेटा हाँ भाई जरूरत हो गए तो नानियों के काम पे लगा ला दो चार पैसा कमा लिए तो आदमी हो जाइए सर ठीक बा भाई चल खड़ा हो जाए खड़ा हो हेलो साजन जी की जय साजन जी की जय धूम मचा दे और धूम मचा दे का बताई साजन हम एगो सपना देखले रहली कि तू एगो बार सिंगर बनबा बन गेला अब हम फिर एगो सपना देखली फिर बात पागल हो जइबा आप कौन सपना देखले बनी तू फिल्म के बड़ सुपरस्टार बनबा और तो रखे हम बनाई तीन फिल्म के ऑफर एक साथ है यह एग्रीमेंट फॉर तीन फिल्म साइन करी अरे पहले साइनिंग तो दी साइनिंग हम दी हाँ। अरे हम हरीश लेवत पाड़ी तोरा के हीरो बनावे खातिर अब पहला फिल्म में खाली 5 लाख और दूसरका में 10 लाख और तीसरका में 15 लाख तू हमरा के देबा तब ना गोल्डन जुबली फिल्म बनाई और तोरा के सुपरस्टार बनाई नाम साजन कुमार से हो जाई जुबली कुमार डायरेक्टर साहब हाँ? लागत है सपना और पूरा ना हाँ? का है एगो और बात अपने मेहरबानी के मेहरारू अपने कपार पर बैठा ला और फटाफट यहाँ से निकल गया और ना ही तो जान तरह का है तहार फिल्म हम बनाई दे डायरेक्टर गौरी शंकर के बेइज्जती हम तोरा के हीरो बनाओ के गोल्डन चांस ले गया अलबारी साजन फिर से सोच ला बबू चाटू फाटू है ना देख लो आयकर के उठा के जल्दी से जल्दी फेंका लो साजन साजन अपनी किस्मत में ठोकर मत मार दुआरे फाक चल के आ लो बहुत बंसीलाल के एहसान तो अपन बेटी के दान दे के चुका देली लेकिन साजन के दिहल 6 करोड़ कैसे चुकाए एहसान एहसान बहुत खामोश होला वो अंदर अंदर इंसान के इतना खोखला कर देला
के इंसान जिल्लत के मौत मरे पर मजबूर हो जाला। हसमुख जी, बेटी के आड़ में अपन हार गए बहुत बनी। क्या कर सकेली? बहुत कुछ, अभी भी कुछ नहीं के बिगड़ल। वक्त के नजाकत के समझी कल्पना, चूल्हा चौकी खातिर ना, एगो महान गायिका बने खातिर जन्म लेले बाड़ी, और उनका के शिखर भी पहुंचाए खातिर हम अपन सब कुछ दांव पे लगाती। बस राउर सपोर्ट चाहिए। कैसा सपोर्ट? जैसे श्री राम के भक्ति में हनुमान जी अपन शक्ति भुला गए रहले, वैसे ही कल्पना साजन के प्यार में अपन कला और करियर दोनों भुला गए पड़े। जाई जाई रवा याद दिलाई और कोयला से कोहिनूर निकाली। वादा करता नहीं, दौलत और शोहरत रुआ सिर पर है। माई लाई ना हम करब। रहता तो रहते ना हुई दाम रखे। जी प्रणाम। गौर लगता है बाबूजी। रउआ लोग बैठे, हम हलवा बना के लिए आते नहीं। बैठे जी। बैठे बैठे। माई कैसन बाड़ी बाबूजी? जब डाली से फूल टूट जाला ना, तो पौधा उदास और फुलवारी सुनसान हो जाला। बेटा साजन बाबू नहीं के लोकत सन गेले बानी, ओही के शूटिंग खातिर गेल बानी। कितना अजीब बात हो, साजन बाबू गायक से नायक बन गया और तू गायिका से गृहिणी। अरे हम तोरा खातिर का सपना दिखले रहनी। बाबूजी जवन सपना रवा हमरा खातिर सजवले बानी, ओही सपना हम साजन खातिर देखले बानी। बाबूजी हमरा नजर से देखी, राउर सपना जरूर पूरा हुई। बस फर्क इतना रही कि राउर बेटी ना दामाद पूरा करी है। बिटिया, जब अपन खून बदरंग हो जाला तो दूसरे का खून पानी नजर आवेला। बिटिया, हमरा के पूरा विश्वास बाकी हमार खून हमरा सपना के बदरंग ना होने दे। तू हमार सपना जरूर पूरा करबो, काहे कि हम तोरा के हमेशा अपन बेटी ना बेटा समझ ले बाने। बिटिया हलवा तैयार हो गल है, संदी जी के लेके अंदर आवा। बैठी बाबूजी। हाँ बेटा। ली हलवा खाए भाई साहब, और इतने से काम ना चली, हम खाना बनाओ थे खाना खा के जाए। बाबूजी हम माई के हाथ बटाए खाते जाते नहीं। हमार बेटा एक दिन तोरा बेटी के अपन दुल्हन बना के ले जाई। बंसीलाल, जौन हवा के तोहार परिवार अपने सांस का ताजगी समझता, वो दरअसल आंधी का झोंका है। और जौन दिन आंधी तूफान के रूप में बदली ना, तुहारी सपना का घरौंदा तिनका तिनका करके उड़ जाए, और तब तुहारी चीत हार में बदल जाए। भाई साहब, कुदरत का खेल तो देखी भौजी, आज ही सब देख के जवान आदमी सबसे ज्यादा खुश हो वे हमने के बीच में देखे। शायद हमें हमरो कुछ छुकल नहीं। भाई साहब ऐसे मत कही, होने के टाल सकेला। भौजी
हमरा के लागत बाकी बंती भैया हमरा से कहत बाटे की हमरा के अपने साथे ले चला हसमुख कुछ दिन तोरा साथे रहे का मन कर रहा था अगर राहुल इजाजत होके तो बंसी भैया के अपने घरे ले जाएगी भाई साहब जकरा खातिर दिल में इज्जत होला ओकरा लगे रहे खातिर केहू के इजाजत लेवे के जरूरत ना पड़ेला ले जाई पहले हमारा गिफ्ट फिर अंदर शिफ्ट का होता बढ़िया तो का होता रे भैया ताकत रहले की तू अपन गे गे गिफ्ट कैसे सिफ्ट करेला अगर गाड़िया के पेंट खराब भइल त तनी के चेहरा के डेंटिंग पेंटिंग बिगाड़ दे ओके आई एम सोरा खाली लड़त आलो हमरे बेटी के हर एक सुर साजन के रागला पता डोंट वरी हसमुख जी अब राग भी अपन हुई ताल भी अपन हुई और गई है कल्पना पैसा के पेड़ झारब हम और बटोरब आप कौशल जी जिंदगी की गाड़ी जब पटरी से उतर जाले ना तो आदमी आनहर हो जाए हसमुख जी हमारे पास दुगो ऐसन घोड़ा बाड़े सन जो देखे में गधा लागे लसन लेकिन जब दौड़ लगावे लसन तो कनी के जीत के लक्ष्य आंधर आदमी के भी दिखाई पड़े लगेला चिंता मत करी दौलत का राजगद्दी पर बैठ के राउड के शोहरत के अरमान भी पूरा हुई और हमारा अरमान भी अधूरा रहल बात बंसी लाल के तो बंसी लाल के भी आत्मा हाय हाय करे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बढ़िया बाल बाल ज्ञान गुण सागर बहुत निक लगा था है ना माई हाँ बेटा अब बाबूजी के फोटो का भाई अरे बेटा वो कल तो हर ससुर जी आला ना तोरा बाबूजी का फोटो देख के उनकी दोस्ती के जमीर जाग गेल घरे ले जाए कहना तो हम मना ना कर पौनी माना तो हम ना कर पाई थी माई लेकिन हमके विश्वास नहीं खे हो राहुल विश्वास हम बानी जी वैसे भी बेटा जब पत्थर पिघले ला ना तो पारस बन जाला रुक जा फूल माला मत चढ़ावा बाकी स्वर्गवासी इंसान के फोटो पर तो फूल माला चढ़ावल जरूरी होला जी बंसीलाल तोरे नजर में मरल बड़न वकील हमरा खातिर ता वो आज भी चिंता बड़न और जिंदा आदमी के तस्वीर पर फूल माला ना चढ़ावल जाला जब रिश्ता गहरा हो जाला तो इंसान की ऊंचाई और बढ़ जाला रिश्ता का गहराई तब और बढ़ जाई बंसीलाल जब हमार बेटी सुपर स्टार सिंगर बन के एक घर में आई नाइस लोकेशन हाँ आई भैया लगा था कि कोनो मोटान मोर गाइल बा अबे सुन बकवास बंद कर और जाके मेहमान के अंदर ले क्या ओके जा सा
5 लाख रुपया हमारे अकाउंट में डाल दीजिएगा। ओके नमस्कार। ओके ओके हेलो 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 वेलकम। हाँ आई एम चाटू साजन लाल का सेक्रेटरी। अरे पाटू साजन लाल को पानी पिलाता है, बैग धोता है। ओके ओके नाइस नेम नाइस नेम नाइस बच्ची बच्ची लो प्रणाम प्यास जी प्रणाम प्रणाम बच्ची बच्ची तू है सीट तू हर सीट अजी हम प्रोड्यूसर दमदम तिवारी जी 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 और हम डायरेक्टर यू नो बम बम बिहारी फाटू आ जा मेहमान लोग खाती चाय नाश्ता लेके आ गुड नेम फाटू तो रवो सब के फिल्म बनावे के बा भविष्य में तब बनावल जाई तो एल्बम बनावे के होई। हाँ फिल्म के पहले तो एल्बम बनावे के ही पड़ी। अरे महाराज रोलिंग के करे के का बा आप प्रोग्राम करे के बा। हाँ अच्छा, अच्छा, प्रोग्राम हाँ। लेकिन ब्याजी हमने के इच्छा रहला कि रउआ साथे अगर कल्पना जी गोईती तो बड़ा नीक हुई। देखिए शादी से पहले राउर जोड़ी हिट रहे और शादी के बाद भी राउर जोड़ी हिट रही। आई बात के क्रेडिट हमने के मिले के चाहिए। कहे कि शादी के बाद वाला पहला प्रोग्राम हमनी के सौजन्य से होता। अरे रवलुन तवर मुंह के बात छीन लेनी। हम वो फैसला कर चुकल बानी कि बिना कल्पना के अपना जीवन के कोनो प्रोग्राम ना गई। जय हो और धमधम जी ई प्रोग्राम राउर बहुत स्पेशल होई। अच्छा ऐसे की एगो ऐसा गाना बा जी जवन की हम पति पत्नी के प्रेम के कलम से रिश्ता के पन्ना पर लिखाइल बा। जय हो। मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकेला पर अपने औरत का कामयाबी ना। सिर्फ हमरे बेटी के साथ गाय का फैसला करके तो हर बेटा पहला गलती कर चुकल है। अब चलती है ओकरे हौसला का हारमोनिया बच जाए। हम साथी जन्म जन्म के हम साथी जन्म जन्म के धड़के तोहरा ने के खुशबू से हमरो जीवन महके बाग में डूबो फूल बा हमरा तोहरा नाम के तू पिया भवना भर के हम है जुगनी शाम के तू हाँ प्यासी धरती हम बरखा सावन साथी जन्म जन्म के
मंजिल एक हमार, कौनो मोड़ पे आके जुदा न होई प्यार। कौनो भी मोड़ देखे तोहरा बिन जीवन के, हम है राधा बाबरी तू मोहन मधुबान के। हम कंगन के सोना जन्म जन्म के, हम साथी जन्म जन्म के, ए हम साथी जन्म जन्म के, हम साथी जन्म जन्म के। बहुत मजा आयल ना, हम तो बहुत खुश बानी। साजन जी, आज के तो प्रोग्राम देख के अनुमान लगावल मुश्किल बा कि भोजपुरिया दर्शक के दिल पे के राज करेला, आपकी कल्पना जी। दोनों आदमी और ताली एक हाथे ना बजेला, जब दो गो हाथ मिलेला ना तब गड़गड़ा के ताली सुनाई देला। हमनी के जब भी दोनों आदमी एक साथ गायक जा तई नजारा रुआ सबके देखे के हमेशा मिली। व्यास जी कहल गई बा हर कामयाब इंसान के पीछे कोनो ना कोनो औरत के हाथ होला, लेकिन आपके पास तो पूरा के पूरा औरत बड़ी ता। जीवन साथी के साथ सात जन्म तक होला, और वो लोग सात घंटा साथ में देख के तकलीफ में आ गए नहीं। चला कल्पना, हमरा तो आपके भविष्य तकलीफ में नजर आ रहा है। कहे कि रउआ के कल्पना जी पहला बार मौका दिल रही अपना साथे गावे के, और रउआ बन गई सुपर स्टार। आजो देख ली रउआ अपन गायकी के नैया कल्पना जी के सहारे पार क्वेश्चन बा। व्यास जी अपन पहचान खुद बनौले बानी, हम तो केवल इनकर परछाई हैं। अगर ऐसा बात बात तो व्यास जी खाली आप ही के साथ गावे खाती काहे ऐलान के लिए बढ़े। ये हमार मर्जी बा, का अपना जिंदगी का हर फैसला तोरा लोग से पूछ के ले हब। फैसला तो हो चुकल बा कल्पना जी ना, बल्कि आप इनकर परछाई हैं। काहे कि परछाई हमेशा इंसान के पीछे चलेला, आखिर कबले औरत के पल्लू पकड़ के चलबा। अपना छोटा जबान के ढेर मोटा मत कर, ना तो इतना मारब ना कि मेहरारू का पल्लू तो दूर के बात बा, अपन भगई पकड़ के लायक ना रहबे। समझ ली, चली। अपना चाल चलन पर ध्यान दे साजन साहब, एक रिपोर्टर पर हाथ उठावल तोहरा के भारी पड़ सकेला। साजन साहब हाथ में रहिए, गांव खा ले। हम कहता नहीं हाथ में रहिए, जाइए। हे हट, ए चल हट रे। एक मिनट मैडम, मैडम एक लास्ट क्वेश्चन मैडम, प्लीज प्लीज। बम जी ब्लास्ट एकदम सही समय पर भइल बा। का सोचो तानी जी? कुछ ना। जौना छत के रउआ निहारा तनी उहो चार दीवारी के सहारे पे खड़ा बा। इ दुनिया में केहू बिना सहारा के नहीं खे, भक्त भगवान के सहारे बा तो भगवानो भक्त के सहारे बाड़न। ए जी भूल जाई ना वो आवारा कुत्ता कुल के भौकल, जे दूसरा की तरक्की देख के अनहरिया आ जाली सन। छोड़ी ना ये सब टेंशन, अब मोहब्बत के कनेक्शन जोड़ी बहुत ही मजा आई। अरे ये बड़ नेक जोड़ी है। हाँ देखी तो भाभी कैसन बा। अरे बड़ नेक। हाँ ठीक बा भाभी, जोन जोन जरूरत रहे हो तो मिले गए ना। हाँ चला चला। चली हो गई शॉपिंग। पप्पू भैया ये तो साजन के इज्जत के तिजोरी है हो, देखा था रूप के खजाना कितना चमकता। अरे ये तो स्टार के मेरारू ही हो, चीपरी जैसा थोड़ी रही।
भाभी ये बदतमीज कौन हवे? ऐसन गली के कुत्तन के कोनो नाम ना होखेला, चला देवरानी। का हो भौजी? तहार बसियाइल कलौजी हमरा गोले धरता, आ हमरा आगे के थरिया काहे खींचतरु? यह ड्यूटी पर जब डबल ड्यूटी होई तब पुरान हिसाब रफा दफा होई। अभी बतावत नहीं, छोड़ी इनके। ए, जाके उठा के लाओ सन। एक कुकुर, हमारा रास्ता रोके के कोशिश मत कर। तहार हिसाब किताब के नया अकाउंट खोल दे। तब तो और मजा आई। तू कैसे गिनी है, हम ऐसे करो। औरत की कमाई पे एगो मौगा ऐस करेला। देखा हवे, आपन बाप से जाकर पूछ ली है। कल से निकली है लाली लिपस्टिक लगाकर। तहारी हरकत के बारे में अगर हमारे पति के पता चल गई ना, तो तहार देही के नक्शा बिगाड़ दी है। बिगाड़ब तब हम तोहरा रूप के नक्शा के बक्सा। जान के रूप तो बच गई, लेकिन तोरा रूप के अपना हाई टेम्परेचर धूप में ऐसा जलाई कि तोरा हड्डी के सुरमा बना के तोर बाप अपने आंख में लगा के घूमी। ए मरसन, Oh!
हाँ बेटा। ए माई का हा? माई हम माना तानी की तुरानी के बेटी की तरह माने लू, लेकिन तुहार बेटी ना पतो है पतो। आई क्या अकेले मार्केट जाए देवे के छूट दे, ठीक नहीं खे। तो कहा हम 24 घंटा घरे घुसल रहा। हम ये कहा कहा तानी तोरा जाही कर ला तो तू हमसे बोल रहा, तू हम घुमा के लेके आई रहती। घूमे ना गल रहनी जी, कुछ जरूरी सामान किने के रहे वही किने गल रहनी। तो हम अहू लेके आ सकता नहीं है। औरत की कुछ सामान होला ना अम्मा जी, जे सिर्फ औरत किन सकेले। अरे बेटा का तू मेहरारू के बीच में टांग अड़ावत हुए है? दुल्हन ठीक कहता रही जो माई, लेकिन तोहरो पता हो के चाहिए कि रानी के नैहर ना ससुरा हा, लोग यहाँ दूसरा के घर जला के अपन रोटी से केला। अब सेके चाहे फेंके आई डोंट केयर, हम अपन जगह पर बिल्कुल ठीक बानी। खिसियाल बड़ू का हमर सुगा पंखी। हे चनाई मत, हमके कपड़ा उतार दी। अरे हमार मेरा रू हमार कपड़ा कहीं उतार सकती है? उतारा तेरा लिखा बेसरम नहीं की हम। अरे सुना है हमार सर मिला टाइगर। हम जब भी गुस्सा है हमके हमेशा ऐसे ही मनाइब ना, हर समय हर पल एक जन्म ना सात जन्म तक मनाए। रंगवा से नूरिया जैसन गाल लाल लाल हो, अखिया के कजरा तोहार करता सवाल हो। सुकी पे मनवा जैसे पीपल के पतई जैसे रह जाता हील के सर के लधानी रंग सरिया सबरिया साजन तोहरा से मिल के सर के लधानी रंग सरिया सजान हमार तोहरा से मिल के घायल करी बदल के बिजुरिया कर जितना घायल तोहार तिरछी नजरिया हो काहे नहीं चेहरा पर
चहके लरुपवा जैसे मोहके गुलाब जैसे बगिया में खिल के सबके लधानी रंग सड़िया सवरिया साजन तोहरा से मिल के सर के लधानी रंग सड़िया सजान हमर तोहरा से मिल के कुछ करे के बा हाँ का करे के पड़ी सर एल्बम बनावे के बा एल्बम कल्पना के लेके सोलो एल्बम बनाने के बाद हाँ लेकिन पैसा के लगाई हाँ अब हाँ आदि तब तो बन जाई हाँ जितना खर्चा लगी हम करब ठीक बा सर लेकिन एक बात याद रहे क्या सर एल्बम साजन का भी एल्बम से बड़ हिट होके के चाहिए हिट हो जाए सर डायरेक्टर तो हम ही रहब नु सर सर हम प्रोड्यूसर रहब ठीक बा जासन और एल्बम का तैयारी में लग जा सर जय हो दमदम जी जी एक्शन एक्शन बस ये हमारा एल्बम हिट हो जाए फिर तक कल्पना और साजन का जुड़ी जाए तेल लगावे अभ्यास जी मुंह मीठा करी हाई ली अरे लेकिन कौन खुशी में समझ ली कि राव ससुर जी भेजौले बड़े तब तो हम जरूर खाई अरे हो ए पर तो राव सबसे ज्यादा अधिकार बा खाई खाई जितने राव गला मीठ होई उतने हम निकेल बा मीठ होई वॉइस म्यूजिक कंपनी से तो बात तो हो गई बा अब म्यूजिकल ऑडियो भी आ गई बा बजट भी ठीक ठाक बा कंपनी 10 लाख रुपया दे दिया हां अब बस राव सहमति के इंतजार बा अरे तो काले से रिकॉर्डिंग रख दी जय हो जय हो रउआ कोनो प्रॉब्लम नहीं खेनु कैसे बात करता नहीं रउआ गला के बारे में पूछत हाँ, रहनी हाँ, हाँ, काहे से किया एल्बम हाँ, के सारा गीतिया तो रउए नु गावे के बा हाँ। दमदम जी जी काहे की अगर हमार सांस बा तो ब्यास जी हमार धड़कन हम गायब तो सिर्फ और सिर्फ ब्यास जी के साथे गायब आप कल्पना जी महिला प्रधान एल्बम बा तो आवाज भी लेडीज के न जाई यही से मतलब न तो हम ब्यास जी के अकेले छोड़ देती ब्यास जी कल्पना जी के तनी समझाई ना हाँ समझाई ना हम समझा दें कल्पना के रो लेकिन चिंता मत करी कल्पना ही गई है जय हो जय हो जय हो परना जय हो जय हो जय हो कैसन बात करता नहीं रवा हम रवा बिना ना गाए कह देनी तो कह देनी बस अरे की कहता तो क्या खेलेगा के हम तोरा सामने रहब ना तोरा साथे रहब तोहर परछाई बनके ठीक बा रवा खुशी में ही हमार खुशी बा झुमका झुलनिया हार
कुमार साहब, आपकी बुद्धिमानी का हरी हरी चरे वाला आपकर दुनो घोड़ा हमरा के तो गधा लगा ताड़न सन। पता नहीं कब हमरा के बंसीलाल के फोटो पर फूल माला चढ़ाए का मौका मिली। टेंशन मत ले, बहुत जल्द ही बंसीलाल का फोटो पर फूल माला चढ़े का शुभ संकेत मिल रहा है। फिर से हमके झांसा देता नहीं की दिलासा? यकीन दिलावता नहीं, सारा सेटिंग हो गई बा। बेस्ट फीमेल सिंगर अवार्ड विल गोज टू कल्पना। चीयर्स। लेकिन अवार्ड हमरे बेटी के पहले भी मिल चुकल बा। जाता नहीं, ओ बार जब अवार्ड मिल रहा तो कल्पना हमारे हाथ से मतलब रुआ का हाथ से निकल गए रही, लेकिन एक बार जब अवार्ड मिली तो कल्पना हमने का मुट्ठी में रही है। Excuse me, yes. Mr. Sajanlal, ये आपका पहला अवार्ड फंक्शन है, आपको क्या लगता है कि इस साल का बेस्ट सिंगर का अवार्ड आपको ही मिलेगा? बिल्कुल, हर साल मुझे पब्लिक का प्यार मिला है और हमको आशा ही नहीं विश्वास भी है कि इस बार भी पब्लिक का प्यार मुझे ही मिलेगा। जी थैंक यू। हाँ प्लीज कम दिस साइड। कल्पना जी, मैगजीन के कवर पेज के लिए आपका सोलो फोटो चाहिए था। साजन और कल्पना के कुर्सी एक साथ ना होके खींचे। नमस्कार, वेलकम वेलकम। अरे रवा लोगी ना और यहाँ? अरे वो गाना ना सुन ले बनी कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा मेरा। ये क्या करता नहीं रहुआ? बस एक कहनी है कि रवा लोगी सच में साया आई कि अभी जिंदा बनी। बड़ी बुधा मजाक कनिया महाराज, देहिये थर थरा गिला। आई बेटी, आई ना, आई। ऑटोग्राफ प्लीज। का नाम है? सुहानी सिंह। सर ऑटोग्राफ प्लीज। थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू सर। सर मैम प्लीज सेल्फी। देखिए दर्शक तो भगवान होले, पता ना केकरा पर कब दिला जा। हम आ गए नी। कल्पना जी कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका हमको बेसब्री से इंतजार था। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले चरण की ओर, जो है मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड। जी बिल्कुल, और वो लोगन के नॉमिनी बा अखिलेश राय, अजय सिंह और साजन लाल। और ये अवार्ड देवे खातिर हम स्टेज पे बुलावल चाहब भोजपुरी के जानल मानल संगीतकार श्री अविनाश झा घुंगरू जी के। सर प्लीज आप लोग गेस करी की के हो सकेला ये अवार्ड के हकदार। प्लीज प्लीज गेस करी। सर के और ये अवार्ड जाता है साजन को नहीं अखिलेश को। बहुत बुरा भल व्यास जी। थैंक यू जोरदार तालियों से स्वागत करी अखिलेश राय जी के।
तो आइए बढ़ते हैं अवार्ड्स के नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। जी हाँ, लेकिन ओकरा से पहले दुलाई वो कहल जाला ना कि ओकरा के जीते के आदत होइए जाला जकरा के सफलता के शिखर पे पहुँचे के जुनून होला। बेस्ट फीमेल सिंगर अवार्ड। बेस्ट फीमेल सिंगर अवार्ड? जी हाँ, हाँ? और ओकर नॉमिनी बा लोग राधिका जी, सीमा जी और कल्पना जी। जी हाँ, इस अवार्ड को देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी वॉइस म्यूजिक कंपनी के चेयरमैन श्री कौशल कुमार जी को। कौशल कुमार जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। तालियों से स्वागत करें सर के। अ बिग अप्लॉज फॉर मिस्टर कौशल कुमार जी। सर, ऑडियंस, एनी गेसेस? बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड गोज टू यस कल्पना। Congratulations. Thank you. Mike? Thank you, Bima, ये अवार्ड खातिर। लेकिन ये अवार्ड के हम केहू और के साथ बांटल चाहता नहीं। जिनकर ई अवार्ड पर और हमार करियर में अहम भूमिका रहल बा, हम उनकरा के भी स्टेज पर बुलावल चाहता नहीं। और उके हुआ और ना म्यूजिक डायरेक्टर घुंगरू जी बाड़े। जाता नहीं फ्रेस होके होता नहीं। अच्छा पार्टनर जी, कल्पना जी के बाद ब्यास जी के हजमा खराब को दहलोस। कल्पना जी ना, बल्कि आप इनकर परछाई हैं। काहे कि परछाई हमेशा इंसान के पीछे चलेला। मैगजीन के कवर के लिए आपका सोलो फोटो चाहिए था। हाँ हाँ, प्लीज मैम, वेलकम। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड गोज टू कल्पना। नीक लगा था ना? हाँ ठीक बा। का ठीक बा जी, रवा हमार हर कामयाबी हर खुशी कितना नीक लगेला। फिर वो हसीन लम्हा काहे ना नीक लगल कि रवा हमके अकेला छोड़ के आ गई नी? पता बा हम रवा के ढूंढत रहनी। बस हम बहुत थाकल बनी, तुम आराम करा, कल बात कर जाए। गुड मॉर्निंग। चाय लाल बनी। उठी चाय पीली।
चाय के साथ नमकीन ना चाहिए? चाय बाहर भेजवा दो। दमदम जी, कितना देर और इंतजार होखी, बुलवाई ना। हे, बुलाओ ब्यास जी के। अरे 5 मिनट रुकी, अभी नहीं कहाँ से ही दोनों नमूना पाल ले ले बड़े। गुड मॉर्निंग ब्यास जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय, तू को चिड़िया खाना से उठा के ले बनी का। जा सा सब्जी लेके आओ। ओके बस। बैठी लो, बैठी लो। हाँ बैठी। आई। अरे इतना सवेरे सवेरे। अब ब्यास जी, लक्ष्मी भोर हरियान हरिया ना देखे ली। कल होखे वाला प्रोग्राम के पार्टी पूरा पैसा दे चुकल बिया। लक्ष्मी ता घर के लक्ष्मी के नु देहल जरा। हाँ, ले ले ले। ब्यास जी, कलाकार के जब नाम हो जाला ना, तो पैसा फटाफट आवेला। और जब से कल्पना जी के अवार्ड मिलल बा, यहाँ के देखे खातिर, यहाँ के सुने खातिर लोग पागल हो गए बा। और तो और ब्यास जी, पूरा शो हाउसफुल हो गए बा। कल्पना जी पे तो अब नोट के बारिश होई बारिश। बम बम जी। जी। जिंगे बरसात सावन में निक लगेला। जी जी। ओहिंगे घर के पत्नी घर के आंगन में निक लगेले। अब कल्पना गाना ना घर समरिए। गाना हम गए। अरे ब्यास जी, हमनी के झटका मौत थी। रउआ दोनों बेकत के साथे साटा भइल बा। देखी रउआ साथे अगर कल्पना जी के लोग ना देखे तो मार के मुड़ी कूच दी हमनी के। अब ब्यास जी, हमनी हमेशा राव कमाई या भलाई के चिंता कैले बानी सन, थोड़ा हमनी पे भी चिंता करी। ठीक बा। लेकिन रउआ लोगिन आइंदा ख्याल रखब, प्रोग्राम हम अकेले ही गए। जी खा कल्पना। जय हो। जय हो। जय हो। प्रणाम। जय हो। ऐसन का हो गए कि हमार गावे में रवा इतराज होके लागल। पहले तो खुद ही कतरनी की गाओ। कल्पना, हर काम के एगो समय होला, और अब समय नहीं के। लग गई। हाँ बोला। श्री श्री 108 श्री हंसमुख नाथजी महाराज नमस्कार। नमस्कार का नटई दबा के चमत्कार का चिट्ठी बचा। महानुभाव, घर में आग लक्ष्मण बा, फिर भी राउर बेटी खामोश बाड़ी। तूफान के पहले का खामोशी बा बम बम। ये आग में इतना घी डाला कि ओकरे धुआं का खुशबू हमारे नाक तक पहुँच जाए। रउआ खुशबू के चाहत छोड़ दी बंधुवर, काहे कि बहुत जल्दी हमनी के लगावल आग के राख राउर माथे पे तिलक बन के चमकी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार, नमस्कार। आई ए माई। हाँ बेटा। हमारे इंतजार मत करी, आज रात के हम ना आवे। वो कहे कैसे की गाना लिखो एक बार गावे के बा, काल होकर शूटिंग बा। अच्छा तो कुछ खा के जा। अरे हम रास्ता में खा ले। शायद रवा भूल रहल बानी, काहलापन स्टेज शो बा। हमारे दास्त आतना कमजोर निके। ठीक बा, तू चाटू फाटू के लेके चल जिया प्रोग्राम में, हो सके तो हम बाहर से बाहर आए। अच्छा जा। Bye.
गौतम जी। हाँ। नेकी कैला कितना बड़ सजा मिली ये हम जानत रहती नू त चापा कल में कूद के हम अपन जान दे देती। अरे महाराज फोन लगाई इन्हें हार्ट फेल होके वाला बा पता ना ब्याह की हुई है कि ना हुई। और कितना फोन लगाई 20-25 बार फोन लगाई ले बानी एक को फोन नहीं के उठावत। अरे कल्पना जी भाई रहे दे बहुत जरूरी मसला चलता तनी रुआ फोन लगा के पूछी ना ब्याह जी कहां बानी। हां चाटू फोन द रहे दे पे पे पे। हम आधा घंटे में पहुंच जाए। का भाई का भाई महाराज आधा घंटा और लगे। आधा घंटा पब्लिक उधर टमाटर जूता के बारिश करती पिटाई जाए हमनी सर। अरे आज मुंह आती है सर बमुखल पड़े सो। दंदन जी एक काम करता नहीं हमनी ना ऑडियंस में जाके शामिल हो जाते नहीं केहू पहचानी ना कि हमनी के ऑर्गेनाइजर बने। दंदन जी 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 अनाउंसमेंट कराई हाँ? हम संभाल अब स्टेज तब तक रहुआ जय हो जय हो चला हो। अरे हुजूर अभी आए अभी बैठे अभी दामन ही संभाला है अभी आए अभी बैठे अभी दामन ही संभाला है जरा दिल थाम के बैठिए हुजूर क्योंकि अभी बहुत कुछ होने वाला है। ए अरुण जो धंधा पे लग जो। जी हाँ दिल थाम के बैठिए आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई बस थोड़ी ही देर में आपके बीच आ रहे हैं हमारे सुपरस्टार गायक कलाकार मिस्टर साजन और उनका साथ देने के लिए आ रही हैं मिस कल्पना। तो जोरदार ताली होनी चाहिए आपके हाथों की। ताली ना गाली मिली तो के। अरे दोस्तों जरा सा इंतजार कीजिए आपके चेहरे कलाकार साजन जी बस आ रहे हैं। अरे जल्दी चल सो में जाके लेट होता। हेलो हेलो साजन भैया। हाँ तोहरा माई के सांप काट ले बा। का जल्दी मरते घरे आ जा तू के बोलता। हेलो 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 फोन भी डिस्चार्ज हो गई चल जल्दी से गाड़ी घुमाओ। रवा लोगिन के कल्पना के प्यार भरा नमस्कार। बहुत जल्द आप लोगन के इंतजार खत्म होके वाला बा और साजन जी बहुत जल्द यहाँ आवे वाला बाड़न। तब तक हम एक गाना आप लोगों के सामने पेश कर रहल बानी करे आजा हम से मोहब्बत सनम दिल बाट तो के। अरे ये दुखी आत्मा बंद कर अपना सबका रोई भूल जा क्या साजन के भेजा ये कल्पना जल्दी साजन के बुलावा ना तो चप्पल से मार खेल ना ना भाई साजन के बुला साजन के इसका बेटा माई का भाई माई हाँ ठीक तो बाड़े ना। हाँ ना ते हमरे से झूठ बोलता रे तोरा के सांप कटले बा ना। हमरा के हाँ सांप हाँ हमरा मोबाइल पर फोन कर रहा ना कि तोरा के सांप कटले बा। अरे बच्चों ना कोनो गलत नंबर आयलो खीरे हम तो एकदम ठीक बानी ना ते झूठ बोलता रे कैसे मन पे नाच के दिखाई रुक ए ए ए अब ठीक कुछ नहीं की बहन बेटा। वाह हमरा बेबसी पर हंसा था नहीं कि अपन बेवकूफी पर सवाल कर तरू कि जहर उगले तरू अमृत पर भगवान के हक होला राहुल आज के इन हरकत के बाद हमरा नजर में इंसानों लायक नहीं की लगता तो हर दिमाग खराब हो गई बा। अरे खराब तो हमारी जिंदगी हो गई बा जैसे जनक मोहना आदमी से शादी करके। अरे तू रही ये तू का बात करता रू पब्लिक के जूता चप्पल खा के आ रहल बानी अम्मा जी जब दिल दुखाला तो जबान से खाली सच्चाई ये निकलेला। अगर हमरा साथे स्टेज शो करे में रवा के शान शर्मिंदा होत रहे तो प्रोग्राम कैंसिल का ही नहीं करवाईनी आवे के बोल के धोखा देवे के का जरूरत रहे। रानी तू हमके समझे के कोशिश कर हमारा ऐसा कोनो इरादा ना रहे हम प्रोग्राम में आवते रहनी है अचानक यहाँ से कॉल चल गए कि माई के सांप काट दे ले और हम भागल भागल यहाँ चले नहीं
मेहरारू के आगे महतारी के प्यार करल बहुत अच्छा बात बा, बाकी मेहरारू के धोखा पे धोखा देके ओकर बेइज्जती कइल बहुत गलत बात बा। कहाँ कटले बासा, हमो तो देखी। हम एकदम ठीक बानी बिटिया, कोनो रंग नंबर के सही समझ के आगल रहे। हसवा कितनो मढ़ाइल रही अपने ओरे खींची। देखा रानी, माई से बदतमीजी मत करा। रवा जैसन एहसान फरामोश के तमीज सिखावे के कोनो जरूरत नहीं खे। हम एहसान फरामोश मानी, अपन दिल से पूछी। ए, खुद के गिरवी रख के तोरा बाप के बेघर होके से बचावले बानी। वो हैसियत लायक भी हम रवा के बनावले बानी। अच्छा, जब ते ही सब कुछ के ले बड़ी तो हम कौल पर माटी चढ़ोले बनी का। साजन जायदा ने बेटा दुल्हन के एहसान मान ला। मान लेती माई, लेकिन हमके पता तो चले के चाहिए कि हमारे खेती का लेका भैया। अगर हम न रहती ना तो आज भी स्टूडियो में चाय पियावत रहती और लोगों के जुट्ठन उठावत रहती। ना हमार उस समय किस्मत खराब रहे और ना ही आज बा। थप्पड़ हमरा गाल पे मरनी, बाकी चोट सरस्वती माँ के लगल। जब ना घर में सरस्वती माँ की इज्जत नहीं खे, वो घर में हमें एक मिनट भी ना रह सकेनी। हाँ हाँ, बाप के कपार पर बोझ बनकर है के शौक पता चा, सरस्वती माँ के बहाना मत करा। बेटा, इतना गुस्सा उचित नहीं खे, ये करे घरे में झगड़ा झंझट ना होला। अब ऐसा मत करा बेटा, रोक ला दुल्हन के। जायदे माई, बताता चले कि जौन औरत अपना पति के इतना बेइज्जत करके जाती है, ओकर बाप ओकर कितना इज्जत कराता। नहीं बेटा, दुल्हन। हाँ ली। नमस्कार। हाँ। चमत्कार होखे वाला बा प्रभु। मैं तो भूल गई पापी पिया का देश, बाबुल का घर प्यारा लगे। अबे तानसेन की औलाद, अबे खाली गईबे की कुछ बताइबे भी। हाँ। सरकार रुआ घर में। हाँ। रुआ घर के लक्ष्मी के आगमन होखे वाला बा। शुभ संकेत मिल गई उन रख। अरे रानी बिटिया तू, अरे बिटिया ये तुहार आंसू बता रहल बा कि तू अपना खुशी सिया नहीं खेलू। का भइल? हमार खुशी हमार अपने लूट ले लस बाबूजी। रवा से थोड़ा खुशी उधार मांगे आइल बानी। अरे हमें जब रह सके नहीं। अरे कैसन बात करता तालू, तुहार घर बा, तुहार घर है। आवा दादे, सामान छोड़ा छोड़ा तू, आवा आवा। बेटी अकेले आ गई लू, दामाद जी ना आइलन का काहे? बिना दामाद के बेटी घर ना आ सकेली। अरे हमार कहे की मतलब ये ना रहे, वो कहावत सुन ले बड़ू ना, नैहर 9 दिन के और ससुराल 100 दिन के। बिटिया के असली घर ससुराल होला। का बात बा बेटी, दामाद जी से कोनो वाद विवाद भइल? माई तू ही ना कहलू कि पति पत्नी एक दूसरे के शान और जान होला। हाँ बेटा, फिर हम वो आदमी के साथ कैसे रह सकेनी जेकर जान हमार शान से ज्यादा होके। वो घर में कैसे रह सकेनी जहाँ औरत पर मर्द हाथ उठावत होके। हमरा के पहले ही शक रहे, जब एगो मयान में दो तलवार न रह सकेला तो एगो छत के नीचे दो गो गायक कैसे रही। आज तो हर आंसू देख के हमार शक सच में बदल गई। बचपन के प्यार के दम पर हमार करूर तोड़े वाला आज खुद मकरूर हो गई बा। बिटिया, हम समझ गई नहीं कि तुहार स्वाभिमान ही ओकरे अभिमान का कारण बन गई बा। हम अपने साजन के फोन करी ला। ना बाबूजी, कोनो जरूरत नहीं की, बस इतना बता दी कि हम एक घर में रह सकेनी कि ना। अरे का बात करत तारू, ये तुहार घर है, जब तक चाहे रह हमेशा रह। जा जा अपने कमरा में। अरे ई रवा, फिर तू बोले लगलू है? बिटिया के कमरा में लेके जा जा। अब चला जा।
तार सपना अधूरा रगल बंसी, हम तो हार के भी जीत कहीं नहीं, अपना बेटी के तो हम संभाल ले, अकेल तो हार बेटा का का दशा हुई। बेटा पत्थर मत बन, ना तो हमार ममता शर्मिंदा हो जाए। तोर ममता और मूर्ख मेहरारू के मोहताज नहीं है, जो तोरा के माइना सास समझ के ठोकर मार गई। बेटा ठोकर खाए वाला समर जाला, बाकी ठोकर मारे वाला जख्मी हो जाला, जख्म तो भर भी जाला बेटा, बाकी एक बार अगर रिश्ता में दरार पड़ गई जान ले लेला। उ दरार पड़े से पहले दुल्हन के मना के लिए बेटा, लेकिन भाई हम कुछ नहीं के सुन जा, ना तो तुहार बाबूजी का सपना पूरा होके भी अधूरा रह जाए। मंसी तोहार सपना के महल के शमशान समझ के छोड़ आयल हमार बेटी, और तोहार बेटा के एक एक बूंद आंसू एक एक हथौड़ा के तरह तोरे आत्मा पर चोट करी, और हम उस चोट पर नमक रगड़े। वाह, एकरा के चमत्कार समझी कि तिरस्कार, दोस्त के मार देनी या दोस्ती खत्म हो गई। एगो बेटी के महतारी की नजर से सोचा, जेकरा चेहरा पर पसरल मातम चिल्ला चिल्ला कर कहता कि हमारी दोस्त मर गई, और सुना ये हमार और बंसी के बीच का मामला बा, तू जाके रानी के देखा जा। बेटी जिंदगी के सफर भी अजीब होला, इंसान रास्ता तो भटक जाला, बाकी मंजिल मंजिल कब्बो ना भूलेला। बिटिया साजन सांस बन के समाइल बा तोरे धड़कन में, ओकरे बिना तू ना जी पैबू बिटिया। माई जब जिंदगी लापरवाह हो गई जान की परवाह का करी। गलत फेमी के पत्थर से अपने आप के मत तोड़ा बेटी, पति ही परमेश्वर होला। ए बेटा एगो बात याद रखा, टूटेला वही जे ना झुकेला। माई टेकरा के तू परमेश्वर कहता रू, वो पत्थर हो गई बा। नमस्ते। बचपन में बाबूजी को सीख देलर ले कि बिलाई रास्ता काटे और जब बाप बेटा के नमस्ते करे ना तो समझ ले धोखा होके वाला बा। लेकिन बेटा बस, अरे वह कुछ कहने की जरूरत नहीं के। राउरी हरकत धोखा के एहसास दिला देले बा हमके। लेकिन धोखा का धुआं राउर घर के चूहानी से उठत बसाजन बाबू, जिम्मे हमारे बेटी का दम घुटक पा, अरे हमें को बाप है, अपना बेटी के मरत नहीं ही देख सकत। रौरा बाप है तो हम कहू के बेटा है, और अपने बाप के बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की कर सकत। साजन बाबू, अरे इज्जत का खजाना तो हमरे
दिल में भरल बा, लेकिन हम मजबूर बा। अरे घर में अगर कचरा रखल जाए तो ओकर गंदगी घर में फैले लागेला, यही लिए घर का कचरा उठाकर बाहर फेंक दियल जाला। कहे कि कचरा बटोरे वाले बाहर घूमे लन सन। हम ना रानी बेटी कहत रहे, अब रानी के तोरा हर चीज से नफरत हो गई बा बेटा। हाँ ना, घरे में चली, हो सकेला रउआ के देख के रानी के नफरत प्यार में बदल जाए और तोरा के तलाक देवे का इरादा बदल दे। तलाक? हाँ बेटा, तोरा के तलाक देवे चाहला। देखल रहा कैसा दिन आ गई बा, एक लड़की का बाप अपने दामाद से तलाक का बात कर रहा था। चलो ना बेटा, शायद बात बदल जाए। चला बेटा, साजन साजन तू क्या बेटा। बाबूजी, साजन अंदर का ही नहीं आई। नहीं बेटी, हम लोग से बहुत नहीं हो रहा। कहीं नहीं, कैसे कही तोरा से, हमरा के तो समझ में नहीं किया आवत। बेटा, ओकरा के तो तोरा सूरत से नफरत हो गई बा। अरे अब ना तो तोरा से कोनो रिश्ता रखे चाहता, ना हमनी। एकर मतलब हमरा से मिले ना आए रहन। ना बेटी, अरे वो तो अपने बाबूजी का फोटो लेवे आल रहे। वो अपन कौनो निशानी हमनी के पास छोड़े नहीं खे चाहत। ना ना, ऐसा ना हो सकेला, हमार दमाद ऐसा ना कर सकेला। अरे तो का हम झूठ बोलता नहीं है? चा बेटी, अकेले के अंदर जा, चा। चला बेटी। निशाना जब सही जगह पर लागेला तो निशान जरूर पड़ेला साजन। अरे काकी हो, अरे भाई भाई बाबूजी आ गए लीन। काकी हो, बाबूजी आ गए लीन। अमर बाबूजी आ। बेटा, दुल्हन कहाँ बानी? और ये बाबूजी का फोटो? माई, तोहार बहु नफरत के बाढ़ में बह गई, लेकिन हम बाबूजी के निकालिए नहीं। शादी का साथ फेरा लेके साथ जन्म निभावे का वादा के लिए रहनी और सातवें महीने में तोरा चाहत का चिता जरा देनी। माई, चिता के अस्थि विसर्जन तलाक के गंदा पानी में कल जाता है। तलाक?
सवा कैसन बाड़ी हमरे जान हो एकागा जाए कागा ले अवसने सवा कैसन बाड़ी हमरे जान जब बढ़ावाली चौकठी से जाने हो लाग के निकल जाई देही से पराने हो रोके खाती देले रहता एक कहूँ आवाज हो देखे के दिन बेरी मोड़ के तो कलेज रही थी एक बेरी मोड़ के तो कलेज रही थी बहिया में ले रही थी बान हो जाए कागा ले अवसने सवा कैसन बाड़ी हमरी जान हो एकागा कैसन बाड़ी हमरी जान हो आवे के बोल के धोखा देवे के कहाँ जरूरत रहे देखा रानी माई से बदतमीजी मत कर चाय पियावत रखती और लोगों के जुट्ठा उठावत रहती जाने खुशी हमार कहवा पराई गईला के बाद उनकर कमी बुझाई दूरी लिखाइल बाटे हमनी के भाग में दोनों जने जोड़ा छन करी जवा सूत लनाही अखिया छन करी जवा सूत लनाही अखिया जगली तो हो खेला बिहान हो जाई का तब्बो तू हमके ना बुलाई बा इतना कठोर हो गई नी कि हमारी यादो नहीं खियावत बिटिया जब ना जाके भी चाहत की इजहार हो ना यही के तो प्यार कहल जाला हाँ बेटा हम जाना था नी तू साजन के बिना ना रह सकेलू तू माई हो ना यही से बेटी की बिरह जान ले लूं माई हम के साजन के पास जाए के बाद बाबूजी से बात करी हाँ चला चला बाबूजी हाँ बेटी बाबूजी हमार टिकट करा दी टिकट हाँ
हमके साजन के पास जाए के बा उनका हमार गायकी नहीं की पसंद तो हम ना गाई बाकी उन्हें के साथ रह काहे नहीं अरे बेटी हर बाप चाहेला क्यों कर बेटिया ससुराली में हंसी खुशी से रहे लेकिन बेटा एको देखा कुछ सामाजिक रीति रिवाज होला कहा ना कि तू बियाह के बाद पहली बार घर आल बड़ तो तोहरा विदाई कराए खातिर साजन के आए के पड़े एक काम करीला हम चल जाइला और समझा बुझा के साजन के ले आए बाबूजी जल्दी जाए ना हाँ हाँ काले चल जाए आप खुद बारू ना हाँ चला भाई साहब रानी बिटिया ना आई नहीं तबीयत तो ठीक बना उनकर भौजी जिद्द का गिद्द आदमी के समझदारी के चबा जाला हम रानी के समझावत समझावत थक गई नहीं बाकी रुता तू लोगन का नाम सुनते ही बौखला जाला बेटा इलेला ईका दरअसल रानी तू लोगन से कोनो रिश्ता नहीं खे रख के चाहला यही से हम ही जरूरी समझ ली कि तोरे वो एहसान का बदला हम चुका दे जोन तू हमने के बेघर होवे से बचाए वदे के लिए डाला ये रखला और ये पेपर पर साइन कर दा कैसन पेपर तलाकनामा रानी तोहरा से रिश्ता तोड़ के दूसर बियाह करे के चाहता भाई साहब कैसन बात करता नहीं रवो रानी की तरह बुद्धि का बैल होगल बने का अरे केकरा घरे में मरद मेहरारू के बीच में झगड़ा झंझट ना होला लेकिन एकर मतलब इतना ना होला कि रिश्ता रेगिस्तान और बुनियाद बंजर हो जाए भौजी रिश्ता के रास्ते पर चले वाले मुसाफिर जब एक दूसरा से दूर हो जाले तो मजबूरी गार्जियन के मुंह पर मातम जैसन लगेला अगर हम अपना बेटी के खुशी में साथ न दे तो लोग हमरा मुंह पर थूकी हैं हम अपना संस्कार के साथ ना जाए दे दीपेन
पेपर ले जाके अपना बेटी के मुंह पर चिपका दे और मुंह गंदा होके से बच जाए। धन्यवाद बेटा। भौजी, हमार कहल सुनल माफ करिएगा। रुकी, हमारा खून में खैरात बांटे की आदत बा, ई रख ली। रुआ बेटी के बियाह में दहेज देवे के काम आई। बाबूजी, साजन कहाँ बाड़र? का बात बा बाबूजी? घर में सब हालचाल ठीक बा ना? वो ठीक बाड़र ना? अरे बताए ना, दामाद जी कहाँ बाड़न? वो अब कब बोना ही है? कौन बात नहीं की, उनाई है तो हम उनका पास जाए, अभी जाए। रुक जा, कौन फायदा नहीं की। अब तोरा खातिन न साजन के दिल में जगह बा, न ओकरा घर में। तोरा के तलाक दे चुकल बाड़ा। अरे आप लोग टेंशन में क्यों हैं? अरे मिठाई बांटिए। गुड न्यूज है, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। इतनी कमजोर कैसे हो गई? ठीक से खाना वाना खाती है कि नहीं? आप लोग इसकी सेहत का ख्याल रखिए, तभी तो तंदुरुस्त बच्चा होगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ये महुआ है अंगूरी, इसको पीना बहुत जरूरी। पीने वाले खूब पिए चाहे मेरी तक बिक जाए। महुआ है अंगूरी। कारे, टेंशन में हम बने और दारू तो नहीं के पिए तरह सा? ये दारू दारू तू पियोगे? ये दारू कतरा कतरा ना, आज तो पूरा समुंदर पिए के प्यास बा।
जबरदो बको ये बता कि मेरा रूम में ज्यादा नशा होला के दर रूम भैया मेरा रूम जो न होले चेन 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 ले आवे चेन 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 भगावे अमाइ लबदा गिरावे ले आवाज सुना सन लगता क्या कौन हमारा गोल सके रंगीन रस लेकिन जब मुंह में कलम तो पता चला कि ना ये तो दर्रो है चाची एक गल जो जाई बतिया बच्चा मार वहाँ पर तो हैच हैच दर्रो पिया ले पुरे के पोला तो रे तू मुझे क्या कर रहा है तू फिल्म डाली कर रहा है तू बीबी आज की बात चल इधर बैठ बेटा मेरा रुख कमी दारू नहीं के पूरा कर सकत वैसे भी तूने का रिश्ता बचपन से है ऐसे कैसे क्यों खत्म कर सकेला ना मैं सब खत्म हो गया सब ना बेटा कुछ नहीं खत्म है तीन महीने से बच्चा उसके पेट में पल रहा है मैं अबॉर्शन नहीं कर सकती और अबॉर्शन में माता पिता की रजामंदी की जरूरत होती है वैसे भी वो बहुत कमजोर है अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो उसे किसी अनाथाश्रम में डाल दीजिएगा हम आंधी का रुख मोड़ते अब आंधी मौसम लेकिन ये मौसम मोड़े वाला ना जूड़े वाला बा कहेंगी बच्चा अक्सर माई बाप के जोड़ दिला सन हमरा के तपन म्यूजिक कंपनी और कल्पना का भविष्य खतरे में नजर आता तो हर खतरा डाले और तोरे म्यूजिक कंपनी बदे कल्पना के गांव के यात्रा के तरकीब हम सोच ले बने और रहल बच्चा के बाद तो ओकर व्यवस्था हम कर ले ला बेटा के छोड़ दे दीदी हमारे बेटा हम क्यों के ना दे ये हमारे बेटा ये हमारे बेटा बेटा अरे बेटा का भइल माई हम एगो सपना देखनी है कि हमारा बेटा भइल बा और हमरे बेटा से हमके केहू दूर कल चाहता छीनल चाहता कहीं सपना सस्ता ना होला माई सपना हकीकत का आईना होला बेटा रानी के गेले वैसे भी कई महीना हो गए कोनो खोज खबर भी ना मिलल उतर हो सकेला कि उनकर पाँव भारी होके तू एक काम करा कल जाके दुल्हन के देखावा तोहरो मन के शांति मिल जाई हमारी हम जाए लेकिन अपने करेजा के टुकड़ा खाती वो काट करेजा औरत खाती ना चाहे ला 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 नमस्ते मालिक घरे तो क्यों ना बा कहाँ गिल बस अभी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल हॉस्पिटल का करे कल्पना मैडम माई बनने वाली बड़ी माई हाँ यस कौन सा हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल हसमुख जी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इनकी सेहत ठीक नहीं है एक तो वक्त से पहले डिलीवरी होना जच्चा और बच्चा दोनों कमजोर हैं
मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। और भक्त ने करी करी कहो ये सब ठीक हो जाए, भगवान पर भरोसा रख। कहो ये जी, हमरा के तो बहुत डर लगा था। शांति से रहा, समझ लू, जाके बैठो। नहीं, हमरा के ना बैठे के बा, रवा के इतना गुस्सा ना करे के रे, देखिए आज का होता। अरे बैठा शांति से, सोचे तन के। अगर ये यहाँ रही तो बच्चा के ठिकाने लगावे मुश्किल हो जाए। सुना? सुन लो ना डॉक्टर का कहलीन, एक काम करा, घरे चल जा। हम पर्स लिया है भूल गली, जल्दी जल्दी में जाके कुछ पैसा लेके आवा, यहाँ जरूरत पड़ सकेला। काहे भूल गई नहीं फिर हुआ? अरे जमा करे के हो पैसा, जा फटाफट। लड़का हुआ है। सुना, हमार बात ध्यान से सुना। हमरे लड़की के बच्चा पैदा भइल बा, ई बात खाली हमरे और तोरे बीच रही। सगर दुनिया के ई पता चले के चाही कि हमरे बेटी के मरल बच्चा पैदा भइल बा, समझ गेलु ना? और पैसा मेरा? तोहर पैसा तोरे तक पहुंच जाए। साजन बाबू, आप यहाँ? हमर किस्मत भले करवट ले ले रोके, लेकिन हमर समय हमारे साथ चला था। ससुर जी कितना बदनसीब भाई बच्चा, कि एकरा पैदा होते ही रानी पाप समझ के एकरा के दुत्कार देहलिन। एकर मतलब ये हमार खून हा? हाँ साजन बाबू, ये तोहरे खून बा। यही से एकरा के देखते ही रानी का खून खौल जाता। कहा ले जाता नहीं मासूम के? ये बच्चा से जितना नफरत रानी के बा, उतना नफरत तोरा के एकरा से हो कि यह सोच के हम एकरा के अनाथ आश्रम लेके जाता नहीं। ससुर जी, महतारी का आचरा भले मासूम खाती कफन बन गए लोग, लेकिन बाप के प्यार एकरा खाती अमृत बनी, और बाप के रहते बेटा अनाथ में के हो सकत दी हमरे बेटा के। देखी, हमरा के गलत मत समझी साजन बाबू, हम रानी के चित के आगे मजबूर पानी। देखी, हम अपना रिस्क पर ई बच्चा आपके दे सकत पानी, लेकिन एको शर्त बा। हम अपने औलाद खाती शर्त के हर वो पिंजड़ा में कैद होके खाते तैयार बनी, अपन चाहत तब बताई। हमार ना रानी की चाहता, देखा ये लड़का का परछाई भी वो अपना ऊपर ना पड़े देवे के चाहता नहीं, और न तो हार वादा करा ये लड़का लेके कब्बो तू रानी के पास ना आई बा, ओकरा जिंदगी से हमेशा दूर रहबा। जौना औरत के ममता अनहर हो गई होके, वो हमरा के देखे के काबिल नहीं के। मरते दम तक हमर हरुआ दानी भाई, मरते दम तक हमरा के माफ करिए साजन बाबू। लगा था अपन चरित्र बचावे के चक्कर में लड़का देखे हम गलती कर देनी, है कोनो बात नहीं, कुमार साहब से बतिया लेता नहीं। देख ले ये हमार रास्ता का काटा, कौनो कीमत पर बचे के ना चाहिए। फिनिश, ठीक बा? ठीक बा। जो भैया,
हमरा पकड़ी। भैया तनी दूध के बोतल और दूध दे देना। अरे वो तो चल गए। भैया बच्चा के देख लो हमरा। भैया हमरा बच्चा के देख लो। नो नो। भैया एक आदमी और छोटा बच्चा के देख लो का। आगा। भैया एक आदमी के साथ एक छोटा सा बच्चा देखे क्या? नहीं भैया। वो देखिए आपका बच्चा। बेटा दे हमारा बच्चा। पापा ले ले पापा पापा ए पापा अरे ले ना जो क्रिस्टोर बेटा ले बेना ले लेना ले लेना ये पापा पापा देख पापा पापा ले 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 आ आ
हमार बच्चा कहाँ बा माई? माई कहाँ बा हमार बच्चा? बाबूजी कहाँ बा हमार बच्चा? सिस्टर हमार बच्चा कहाँ बा? माई की ममता के साथ खिलवाड़ मत कर, बतावा ना कहाँ बा हमार बच्चा? बिटिया, तुहार बच्चा दुनिया में आए के पहले ही आंख मूंद ले ले रहे, तोरा के मुअल बच्चा पैदा भल रहे। ना बाबूजी, कहता ही झूठ बा, बाबूजी कहता ही झूठ बा, ना है। बेटा ये तोहर पोता हमाई। अदुलेन रे माई, हमारा प्रतियोगरा दिल में इतना ज्यादा नफरत बा कि आज अपना कोख से जन्मल बच्चा भी त्याग देलस, सिर्फ ऐसे की हमारन सब गुरूर और नफरत त्याग में कौन औरत अपने ममता की कैसे सुहा कर सके? अरे ना ना, चुप हो जा बेटा, आज से हम ही तो हर माई और हम ही तो हर बाप बनी और हम तो हर दादी। बेटा हमने के जीवन में छायल अन्हारा के ई सूर्या दूर करे, हमार सूर्या। मरल पैदा भल रहे, बात के समझे बेटा, समझे ना बाबूजी? चलो चलो बेटा, अब हमारे का काम बा? कुमार साहब, हम आपके ऑफिस गए रहनी, वहां से पता चलल कि आप शोरूम में बनी। हसमुख जी, आजकल एक बिजनेस से कहां जिंदगी कटे वाला बा, और ऐसे भी जगह खतरे म्यूजिक कंपनी खोल ले रहा ली, उस संगीत से ही नाता तोड़ ले लस। देखी ना, हमनी के का सोचले रहनी और का हो गई। हम कल्पना के लेके बहुत चिंतित बानी, अब कल्पना के आपे के संभाले के पड़ी। हसमुख जी, माना कि कल्पना हमार कमजोरी है, पर लाश का साथ रिश्ता ना निभा जाना, लाश के दफनावल जाना। अब हम कल्पना के अपन दिल में दफना चुकल बने। लेकिन कुमार साहब, लेकिन ओकिन कुछ ना, बात खत्म तो खत्म, आज का बात कबो कल्पना के बारे में हमसे डिस्कस मत करियो। ये हम का करते नहीं, अपना छोटा अहंकार में अपने बेटी का घर बिगाड़ते नहीं। हे भगवान, तू ही कोनो रास्ता दिखावा।
कि हम धरती के राजा तू रानी नील गगन के, हम साथी जन्म जन्म के, हम साथी जन्म जन्म के, हम साथी। पापा, अगर तू धरती के राजा बाड़ा ता रानी के है? बोला पापा। माई माई। हाँ बेटा, का हो गेल? आजकल पढ़ाई लिखाई पर कम और फालतू काम पर ज्यादा ध्यान देता। हाँ। और अपना उम्र से ज्यादा तो बोलल शुरू कर देलेबा। और आज ही पढ़े काहे ना गइला? अब तो भेतने की ठीक नहीं कर। का बलबे करा? का बलबे रे? बुखार बैल बा। देखी ता? नहीं, मतलब आराम करे तो ठीक हो जाए। पापा के काम कर दे बेटा। एकरा के बिगाड़े में सबसे ज्यादा तारे हाथ बा। गलती से भी कल्पना के दोबारा शादी करने की कोशिश मत कीजिएगा। ना ये मानसिक रूप से शादी के लिए तैयार है और ना ही शारीरिक रूप से। एक बात और, अगर आप लोगों ने जबरदस्ती की तो इसकी बची हुई जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। डॉक्टर साहब, हमने खाली चाहिए कि वो स्वस्थ रहे, बस होकर सलामती चाहिए। डॉक्टर साहब, एक के गो बेटी भी हमारी, हमने के वो है जिंदगी भी, रवा कुछ जो भी करी ओकरा के ठीक करती। एक उपाय है, मैंने गौर किया है कि वो बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद करती है। आप उसे ऐसी जगह ले जाइए जहां बच्चे ही बच्चे हों, शायद वही सदमे से उबर भी जाए। ऐसा एक जगह बा हमरा नजर में। अरे रुकना, अरे दूध तो पी ले। पापा, इके है? दादी है। ओहो, हमार ना दादी है, तोहार के है? हमर माई है। फिर हमार माई कहाँ बाड़ी? बतावा ना पापा, माई कहाँ बाड़ी? पापा बतावा ना। तोहार माई मर गई बड़ी बेटा। दादाजी के जैसन? हाँ बेटा। सूर्या, तू का करे जाता रहा? दादाजी नियन माई के फोटो पे माला चढ़ावे। रह दे बेटा, तू औरत तोरा माला के भार सहे के लायक नहीं की। हम माला चढ़ाई। हम मना करे हने की माला मत चढ़ाओ? हम चढ़ाई। हम कहा था नहीं की छोड़ता? हम चढ़ाई। सूर्या चल। बेटा, एक सवाल तो सही है रला, गलत जवाब तो तू देता रहा। दादी, पापा माई के फोटो पे माला ना चढ़ावे देलन, एकर मतलब माई जिंदा बाड़ीन। और हमरे तरह पापा के भी बहुत याद आवेली। तू बस पता बता दे, हम बुला लाई बुनके। बेटा, तोहर नान नान गुड़बा, तू वहां ना पहुंच पेबा। दादी, तू बस पता बता दे, हम बुला लाई बुनके। बस बहुत जप ले माई के नाम के माला, तोर नाम हम बोर्डिंग स्कूल में लिखवा देले बानी, सोमवार से ते वही जी रहबे और वही जी पढ़बे। बेटा के छुए छाती फटा था और माई के ममता पर कोयला पड़ गई।
अमर बाबा हो, मोरे बाबू हो, मोरे सोना हो, तोहरे से बांजोर चारों कोना हो। सबका से नीक बाड़ा पापा हमार, हो सबका से नीक बाड़ा पापा हमार, तब याद आवतिया मम्मी हमार, तब याद आवतिया मम्मी हमार, सबका से नीक बाड़ा बाटे फीका, मम्मी बिना के करी काजर औरी टीका, बोला ना ए पापा तोहरा के देखते ए पापा रूप हमार खिलेला, मम्मी के दुलार प्यार तोहरे से मिलेला, तू ही ता बाड़ा हमार जिए के तरह बेटा सुज्जा दादी ओंगी नहीं के लागत कोनो कहानी सुनावा ना। अच्छा आज तरह की कहानी सुनावा का हमरो मन में बहुत लालसा बा। सुनावा। एगो राजा रहना और एगो रानी रहनी, दोनों जाने बचपन में ही बिछड़ गई ना। फिर का भेल दादी? फिर राजा जब बड़ भई ना रानी के खोजे का कसम खेना। फिर राजा रानी के खोजे खातिर गांव छोड़ के शहर गए ना, जहां उधर बदर भटके लगले। रानी मिल गईली? हाँ बेटा रानी मिल तो गईली, बाकी एक दूसरे के लोग पहचान नहीं बोले। काहे? कैसी पहचान था, दोनों जाने तो बचपन में ही बिछड़ गए रहना, और जब मिलने तो काफी बड़ा हो गए रहना। बाकी राजा के पास एगो निशानी रहे रानी के पहचाने का, उनकर बचपन का फोटो। फिर दोनों जने में पहचान ना भइल? अंत में हो गई। कैसे? गाना से। गाना से? गाना से, जौन गाना वो दोनों जने बचपन में गावत रहना ना, वो ही गाना से। और जब रानी वो गाना सुन ली तब उनके समझ में आ गया कि उनकर आपन राजा हुआ। कहानी खत्म? ना बेटा, फिर दोनों जाने का ब्याह है। हाँ। और रानी एगो सुंदर राजकुमार के जन्मदिन। लेकिन गलत फहमी का ऐसा नाम थी चलल, फिर से दोनों जाने बिछड़ गए ना। फिर कैसे मिला लोलो? ये तो हमरा के नहीं पता बेटा, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि राजा रानी और राजकुमार के हैं।
के है दादी? बेटा, वो राजा तो हर पापा, रानी तो हर मम्मी, और वो राजकुमार तुम हो बेटा। तू रोवा मत दादी, हम वादा करतानी कि ई राजकुमार दोनों राजा रानी के मिलन जरूर कराई। बेटा, यह तुहार स्कूल कैसा लगल? ओहो पापा, जब पढ़ाई हुई तब ना क्वालिटी पता चली। स्मार्ट बॉय। हेलो बेटा, यह मैडम खुशबू, तुहार मिस। नमस्ते मिस। नमस्ते मिस। मिस प्लस किस इक्वल टू किस मिस। नॉटी बॉय। बेटा, हम यहाँ तोरा का अकेले छोड़ के जाता नहीं, तो के तकलीफ नहीं के हो का तू अकेले रह जीवा? ओहो पापा, तू हमार खुशी खातिर इतना तकलीफ उठावेला, और हम तोरा खुशी खातिर इतना तकलीफ ना उठा सके नी। अब हम बड़ हो चुकल बानी, हम अकेला रह जाए। माँ, ठीक बा बेटा, अपन ख्याल रखिए। बाय पापा, तू हो अपना ख्याल रखिए। बाय बेटा। माँ, बाय। कम बेटा, अभी आप अपने हॉस्टल चले जाओ। ओके। आपकी क्लास कल से होगी। ओके मिस। दिल पार्क पार्क हो गया। आई लव खुशबू, आई लाइक खुशबू, हाउ इट इज खुशबू? आई एम फाइन सर, एकदम टकाटक। नॉट यू, इस गुलाब का खुशबू बेबी। ओके बुढ़ा, प्रिंसिपल नहीं होता तो इसे जरा सा भी लिफ्ट नहीं देती। आई लव यू खुशबू। ओ सर, सेम टू यू। नो नो, नॉट यू बेबी, इस गुलाब का खुशबू। ओके जाकर किसी गुलाबों को ढूंढो ना, मुझ पे क्यों लाइन मार रहे हो? डार्लिंग, आई एम साइलेंट लवर। ओके, स्लो पॉइजन की तरह स्लोली स्लोली दिल को डैमेज करता हूँ। ओके, आई लव यू। आई, मैं बूढ़े लोगों को आई लव यू नहीं बोलता हूँ, सॉरी। हाँ, अब ये सिर्फ लव यू ही होगा या फिर पढ़ाई भी होगी। मेरा क्लासरूम किधर है? ओके ओके बेटा, तुम्हारा क्लासरूम उधर है। ओके, गो टू योर क्लास। ओके, ओ माय गॉड, वेरी डेंजर बॉय। सरस्वती माता, मैंने पापा से कह तो दिया है मैं अकेला रह लूंगा, लेकिन मैं पापा के बिना नहीं रह सकता हूँ। आप तो सबकी माँ हो, आप प्लीज मुझे मेरी माँ से भी मिला दो ना सरस्वती माता, प्लीज। देखा, हमारे दोस्त का स्कूल आई। मम्मी, लगता है मम्मी पापा से नफरत करती हैं। अगर मैंने उनको अपने बारे में जाके बता दिया तो शायद वो मुझसे बात भी नहीं करेंगी, तो फिर मैं उनको पापा से कैसे मिलाऊंगा? और दादी से जो मैंने प्रॉमिस किया है उसको पूरा कैसे करूंगा? लगता है कोई आइडिया लगाना पड़ेगा। आइडिया। हसमुख मेरे यार, उखी दस यार, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल मेरे दोस्त। नमस्ते भाभी। नमस्ते। और सब ठीक ठाक है? भाई, बिटिया नहीं दिखाई दे रही है। तू केहू के खोजे दारों का मम्मी। ओ सॉरी सॉरी आंटी। हाँ बेटा, अपन बेटा के है तुहार बेटा? तोहरे जैसन हुई। लेकिन हम तुहार बेटा कैसे हो सके नी, हमारे तो सिर्फ पापा है, हम तो अपन पापा के बेटा है। वही तो बड़ी, पता नहीं कौन बच्चा के अपन बच्चा समझ के बतियावा तड़े। ओ यार, बच्चा किसी का भी हो, बेटी तो अपनी है। बस किसी भी हालत में अपनी बेटी ठीक होनी चाहिए। हाँ, हाँ भाई साहब, राव और मुँह में घी सककर
भगवान करे हमारी बेटी जल्दी ठीक हो जाए। चलिए आइए अंदर चलते हैं। अरे गाड़ी में कुछ सामान पड़ल। अरे यार गाड़ी में सामान है तो चपरासी को भेज कर मंगवा लेंगे। आइए आइए भाभी जी आइए चलिए। अरे आइए चलिए तो। अरे मेरी बेटी आ जाएगी तो मिलबो हमारे पापा से। मिलब बाकी तू हमार दोस्त बनबा। दोस्त दोस्त हाँ बने ठीक बा। हम अपन पापा के फोन करके बुला लाए। ठीक बा। हेलो पापा। हाँ बेटा। पापा हम रहुआ के अपन एक खास दोस्त से मिलावल चाहता नी। बहुते खास दोस्त। अच्छा लेकिन बेटा हम रिकॉर्डिंग में बनी। आ जाए ना प्लीज और आते वक्त हमार माउथ ऑर्गन ले आए। ठीक बा बेटा हम ले आए। ओके पापा थैंक यू। बाय बेटा। सर को चाहिए का माउथ ऑर्गन बा का। हाँ बा दे दी। ले आओ तनी। माउथ ऑर्गन बा एक ही गुबा तो हम कहा दूगो मंगले बनी पैक कर दी। पर इता इनकरा का दे दिले बनी। ऐसे टुकुर टुकुर का देखा था नहीं। हम मंगने है ना दे दी। एक्सक्यूज मी माउथ ऑर्गन हम अपने बेटा खाती पसंद के लिए बनी। ओ, बेटा गुड तो ओसे का भाई ए पर और नाम नहीं खे लिखल। ई हमके आपन बेटा खाते चाहिए दी। अचानक बेटा खाती इतना ममता। जे आदमी अपन पत्नी के ना समझ पावल माई की ममता का खास समझी। हाँ समझदारी के सगरी दुकान जब तू ही रख ले भाड़ू तो वही के संभाला। दी सेठ जी हमरे के दी। ऐसे कैसे हम के चाहिए माउथ ऑर्गन। ई ली पैसा कितना भाई। ठीक बस सेठ जी इन्हीं के दे दी। कहे के दिल जोड़े के हुनर निकल लगे तबाना। वैसे भी हम अपने बेटा के प्यार से पल ले बानी। खिलौना से ना। मुझे नहीं खेलना तुम लोग जाकर खेलो। ठीक है। ना पापा आइले ना मम्मी आइले केहू के हमार चिंता नहीं खे। सॉरी चॉकलेट माउथ ऑर्गन कहाँ बा। बेटा हमाउ तरने तो रास्ता में हमारे को बिलाई रास्ता काट दलसिया। यही से तो हर माउथ हरगन लेकर ना पैनी है। नो प्रॉब्लम। लेकिन बेटा तहर दोस्त कहाँ बा। ओही के तो इंतजार करता नहीं पापा। बेटा हम आपस शूटिंग छोड़ के आयल बनी और हमार गैल बहुत जरूरी बा। तोहरा दोस्त से हम संडे के मिल ले। संडे के स्कूल बंद रहेला पापा। ओहो प्लीज बेटा थोड़ा सा संभाल ला। ठीक बा। हाँ। संडे के हमार स्कूल के पार्क में आ जाई हा। हम अपन दोस्त के बुला लाई। डन डन। अब जा तुहार क्लास शुरू हो गई बा। बाय बाय बेटा। अपनी बाड़ू बहुत हाथ तो हर नहीं खेतवा।
बनावे डिजाइन तोहर बजबे बाला कसा कहिया ले खुली बोला ला भवाला पकसा अजबे डिजाइन तोहर बजबे बाला कसा कहिया ले खुली बोला ला भवाला पकसा बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक स्पेशल लेसन पढ़ाने वाली हूँ, द रिलेशन ऑफ चाइल्ड विथ मदर एंड फादर, मतलब बच्चे का माता पिता से रिश्ता। एक्सीलेंट मीरा। यस मिस। व्हाट इज फादर? पिता पागल पपीता जैसा होता है। साइलेंस साइलेंस। या बेबी, मेरी मम्मी कहती है पिता पागल पपीता जैसा होता है, जो अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए खुद को कमजोर और खोखला कर लेता है। वंडरफुल। क्लैप फॉर मीरा। तुम्हारी मम्मी एकदम ठीक कहती है। वैसे माँ क्या होती है, कौन बताएगा? सूर्या। माँ। बोलो बेटा। माँ, लेकिन मेरी तो माँ है ही नहीं। सो सॉरी बेटा, बट तुम्हारी मम्मी कहाँ है? पापा कहते हैं मेरी मम्मी मुझसे नाराज होकर चली गई। नहीं बेटा, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती। अगर पापा पपीता होते हैं तो माँ मेवा होती है, जिसकी ममता कभी खत्म नहीं होती। माँ वो होती है जो अपने आंखों में दुख का दरिया समेट कर भी अपने बच्चों पर खुशियां बिखेरती है। माँ वो होती है जो मरने के बाद भी अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती है। तू बन बा हमारी अच्छी वाली माँ। गिफ्ट इका हा ई माउथ और गनबा तरह खातिर गिफ्ट। थैंक यू मम्मी। वेलकम। नॉट वेलकम, जा हम तोरा से बात ना करब। का भाई लमरा राजा बेटा के? पापा लंच टाइम में आके हमरा से मिल लेलन, तू लंच टाइम में काहे ना आइलू? सॉरी बेटा, एगो ऐसन मनहूस शक्ल से मिल गई नी कि गाड़ी के टायर पंचर हो गए, यही से ना पाऊनी। सच्ची मुच्ची? ओके, संडे के पापा आवे के प्रॉमिस कईले बारन। तू स्कूल पार्क में हमार इंतजार करी है, हम बुला लाई पापा के। ठीक बा। और अगर तू ना आईलो तो हम तोरा से कबो बात ना करब। ना बेटा, हम ना टाइम से पहले आ जाए। ठीक। सूर्या अभी तक आए ना आए। तू यहाँ का करता रू? ये पूछे कि हक रवा खो चुकल बानी। हाँ, हक लिहल ना दिहल जला। खैर छोड़ा, तुहार का हलबा? एकदम मस्त। और राउर बेटा के? एकदम हमारा पगल बा। भगवान करे खाली शकल ही गईल होके, अकल ना। ठीक बा, कबो फुर्सत में तोहरा के मिला, आपन अकल उकरा के दे दिया।
कहे दे आपन अगल राउर बेटा के। हाँ ऐसे भी तोरा से कुछ पावे की उम्मीद नहीं है। वैसे यहाँ केकर इंतजार करा था बाकी खास और रवा? हम जेकरा के दिलो जान से चाहिए जे हमारा दिल के धड़कन बा ओकरे इंतजार करा था नहीं। अब यो दिल बार रवा लगे सुनबू तभी वो दिल के धड़कन तो के सुनाई थी। बड़ा ताजुब होता कि दूसरा पर बिजली गिरा वाला अब यो बिजली के चमकला से डराता। बिजली के गिरब ले बा आपन जमीर से पूछी हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया इन लोगों ने। अब कौन सा आइडिया सोचूं? आई लाइक खुशबू आई लव खुशबू खुशबू जी मिस्टेक से कंफ्यूज आइए मत हम आपसे ही टॉकिंग कर रहे हैं ओके ओह हमसे यस खुशबू जी कभी कभी बच्चों के प्रिंसिपल से भी टॉकिंग कर लिया कीजिए आपका वैलिडिटी और बैलेंस दोनों मेंटेन रहेगा ओके गुलाब जी टेल मी आपका सिग्नल बहुत वीक हो गया है टावर का रेंज बढ़ाइए तभी इनकमिंग और आउटगोइंग का लाभ मिले ओके किसी गैलरी में जाके दिखा दूंगा आप नमस्ते अंकल नमस्ते नमस्ते अरे तुम इधर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो चलो क्लास में चलते हैं आजा 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 बेटे पता है प्रिंसिपल क्या बेटा मुझे आज पता चला कि मेरी मम्मी बहुत बड़ी सिंगर है अरे बेटा ये तो मुझे पहले से पता है वो तो आपको पता ही होगा लेकिन आपको ये नहीं पता होगा क्या? कि मेरी मम्मी ने चिल्ड्रंस डे पे गाने के लिए हाँ कर दिया है वेरी गुड फैंटास्टिक फैंटास्टिक बेटा थैंक यू अच्छा अंकल कोई मेल सिंगर भी आने वाला है ना ऑफ कोर्स आने वाला है कौन है वो बेटे वो तो सरप्राइज है सरप्राइज वो तो तुम्हें स्टेज पर पता चलेगा कि तुम्हारे साथ वो गाना गाने वाला कौन है हाँ सरप्राइज ओके कम ऑन ओके हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन मैं सूर्य प्रताप आप सबका ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ टीचर टीचर आज ना कुछ कहना है हमको आज हम खूब मौज उड़ाएंगे पूरे साल सुन ली आपकी आज हम अपनी बात सुनाएंगे और इस बाल दिवस के शुभ अवसर पर हम सब बच्चों की हौसला अफजाई और इस पूरे कार्यक्रम को संगीतमय बनाने के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ मशहूर फीमेल सिंगर कल्पना जी को प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर कल्पना जी और आप लोगों को ये जानकर और भी खुशी होगी कि इस कार्यक्रम को और भी संगीतमय बनाने के लिए कल्पना जी का साथ देंगे भोजपुरी के स्टार सिंगर और मेरे फेवरेट साजन लाल जी बेटा माइक सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम मैं आप सब से क्षमा चाहती हूँ कि मैं इनके साथ नहीं गा सकती क्योंकि जो इंसान संगीत की भावना की कद्र ना करे मैं उसका साथ नहीं दे सकती सॉरी सूर्य
अरे कल्पना जी प्लीज रुकिए, प्लीज कल्पना जी प्लीज। सॉरी सूर्या। हम साथी जन्म जन्म के।